नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया आजकल। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। आखिर पवन सिंह कहां से लड़ेंगे चुनाव, भाजपा के शीर्ष नेताओं से साथ रहे संपर्क। आखिर पवन सिंह कहां से लड़ेंगे चुनाव, भाजपा के शीर्ष नेताओं से साध रहे संपर्क। लोकसभा बलिया सीट पर अभी तक भाजपा अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। भाजपा की सूची में किसका नाम है ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भाजपा से प्रमुख चेहरों पर यदि नजर डाले तो मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी के नाम की भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। प्रत्याशियों के नाम की घोषणा में विलंब होने के कारण कुछ और भी लोग बलिया लोकसभा सीट से लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि भाजपा प्रमुख नामों के अलावा अन्य नामों पर विचार करेगी या नहीं ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह भी बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं। पिछले दिनों में पवन सिंह दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पर पहुंचे थे और वहां शीर्ष नेताओं से मिलकर बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। बताते चले कि भाजपा ने पहली सूची में पवन सिंह का नाम बंगाल के आसनसोल सीट से लड़ने की सूची जारी हुई थी, लेकिन किसी कारणवश पवन सिंह ने आसनसोल सीट से लड़ने से इनकार कर दिया था। अब उनके मन में यह चल रहा है कि काश बलिया लोकसभा सीट से पार्टी के शीर्ष नेता उन्हें हरी झंडी दे दें, लेकिन दूसरे सूत्रों ने यह भी बताया है कि यह संभव नहीं है क्योंकि पार्टी मन बना चुकी है कि बलिया लोकसभा सीट से किसको लड़ाना है। इन दिनों पवन सिंह अपने ससुराल पर बहुत मेहरबान है। वैसे उनका ससुराल बलिया शहर के मिट्टी में है। वे हाल ही में अपनी पत्नी ज्योति सिंह को एक महंगी कार गिफ्ट में दिए हैं, जो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया गया है। पवन सिंह के ससुर रामबाबू सिंह भी दिल्ली में पवन सिंह से मिलकर बलिया आए हुए हैं और इस समय ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ दिल्ली में है। अब देखना यह होगा कि पवन सिंह को बीजेपी कहां से चुनाव लड़वाती है। पवन सिंह की शादी बलिया जिले के चितबड़ा गाँव में एक होटल में हुई थी। शादी के कुछ साल बाद उनके पारिवारिक रिश्ते टूटने के कगार पर आ गए थे और यह मामला आरा और बलिया के परिवार न्यायालय में चला गया था। स्वयं पवन सिंह बलिया कोर्ट में हाजिर भी हुए थे। अब इधर पिछले माह पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए हैं और साथ ही साथ जीवन बिता रहे हैं। वहीं एक खास ने बताया है कि पवन सिंह अब अपना परिवार बसाना चाहते हैं, इसीलिए अब वह ज्योति सिंह के साथ हो रहे और ज्योति सिंह भी पवन सिंह के साथ बेहद खुश हैं। चर्चा ये भी है कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह को घर की कई जिम्मेदारियां भी दी हैं जिसे वह निभा रही हैं। अभी पवन सिंह के फिल्म के शूटिंग स्थल पर भी ज्योति सिंह को देखा गया था। बलिया से आरा व दिल्ली तक पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। पिछले दिनों पवन सिंह ने बलिया में अपने ससुर रामबाबू सिंह को फोन भी किया था और चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी। आगे देखिए पवन सिंह राजनीति को लेकर कहां फिट बैठते हैं। बलिया से रोशन जायसवाल की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बलिया आजकल।